विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिद्विजम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। प्रथमे गुरु जी को वंदना और द्वितीय आदि गणेश तृतीय सिमरो मां शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। नमो नमो माता पिता के जन से भया शरीर नमो नमो गुरुदेव के जिन दिया भजन में श्री लाल देह लाली रसई हरिधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण लज्जा संकी राखियो शिव बल में असवा। चंद्र तपे सूरज तपे कुछ गणे तपे आकाश इन सबसे बढ़कर तपे सतियों का सुप्रकाश। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो। तो जय 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 श्री श्याम विनय करो कर जोड़ और भूल क्षमा कर दीजियो एक भगत कियो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए प्रेमियों, सबसे पहले तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि कीर्तन करने के लिए बैठे हो कि ऑर्केस्ट्रा सुनने के लिए? कीर्तन करने क्या मिलेगा बताऊं? ऑर्केस्ट्रा सुनोगे घंटे दो घंटे थिरक लोगे चले जाओगे, जिंदगी नाच नचाती रहेगी फिर से। कीर्तन करोगे तो जो हमारे सुबोध भैया को मिला है वो आपको मिलेगा। कीर्तन करोगे जो हमारे मुकेश भैया को मिला है वो आपको मिलेगा। क्या मिला है? अब सब लोग यही सोच लोगे कि भाई ये नाम ये शोहरत जो चीज इनको मिला है, मैं समझता हूं 20-20, 30-30 साल बाबा की सेवा करने के बाद वो मौका लोगों को नहीं मिला। जो सिर्फ एक डेढ़ साल के अंदर ये मौका मिल गया कि जंगल में मंगल करने का मौका मिल गया, जंगल में मंगल हो गया यहां। आज ये बाबा विराजमान, आप क्या समझते हो ये क्या है? ये वो देव है जिसके दरबार में कोई भी तकलीफ आ जाए, कोई भी मुसीबत में फंस जाओ, इसके दरबार में आकर नाक रगड़ लेना, 125 रुपया नारियल चढ़ाकर चले जाना,
काम बना देगा, तब महसूस होगा जंगल में बैठकर भी मंगल करता है। तब महसूस होगा कि जंगल में भी बैठा है लेकिन मंगल करता है। बिल्कुल सच्चा दरबार है प्रेमियों। अगर कोई सुनो, अगर कोई अच्छा घर, अच्छी हैसियत वाला जयश्री श्याम करता है तो समझ में आता है कि उस पर कृपा हो गई है, इसलिए जयश्री श्याम करता है। आज मैंने एक बहुत मार्मिक दृश्य देखा, श्याम के सामने कह रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा बेटा, जोत को छोड़ दो और बाबा को छोड़ दो। महाराज के सामने कह रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा। सबसे पहले यहां पर आए, यहां से फरुखाबाद में जहां होटल में हम लोगों को ठहराया गया, वहां गया तो जो होटल का स्टाफ था, जो पानी पिलाता था, वो पानी लेकर आया और उसके बाद बोला, भैया आपके पांव छू लूं, मेरी आंखें छलक गई। उस पानी पिलाने वाले की नौकरी कितने की होगी? 5,000-10,000। उसको अभी सब कुछ मिला नहीं है, लेकिन पता नहीं श्याम बाबा के प्रति उसका दिल में कहीं ना कहीं कुछ होगा। जब उसको पता चला कि श्याम बाबा का भजन गाने को आए हैं, मेरे जैसे आदमी के पांव छूने के लिए वो झुका, मुझे लगा कि सचमुच में बाबा का प्रचार हुआ है तो यहां पर हुआ है, सचमुच में बाबा के प्रचार। मैं कहीं भी शुरू करूं उससे पहले आपको यही बता दूं कि जब तक श्याम बाबा को नहीं, ये मेरा कोई कुल देवता नहीं है, 35 साल पहले तो बाबा को मेरे घर में कोई नहीं जानता था, और उस समय मेरी हालात भी एक मजदूरों वाले हालात थे। 200 रुपए की नौकरी मैंने की है, 5 रुपया खर्चा करने के लिए 500 बार सोचना पड़ा है, लेकिन जिस दिन से किसी श्याम भक्त ने मिलकर, हाँ गाने का शौक था स्कूल में, किसी श्याम भक्त ने कहा कि बाबा को एक भजन सुना दो जिंदगी बदल जाएगी, झूठ नहीं कहता, मेरे को ले गया कीर्तन में और खड़ा कर दिया। उस दिन झोली में कुछ नहीं था, उस दिन बाबा को बोला, बाबा मुझ पर कृपा कर दो, मेरी झोली भर दो। इन 35 सालों के अंदर में रुपया पैसा तो क्या बोलूं मैं, लेकिन जो आप लोग बड़े बड़े लोग अगर जयश्री श्याम करते हो तो अपनी किस्मत को सोचता हूं कि 35 साल पहले अगर श्याम नहीं मिला होता तो मैं भी कहीं सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांग रहा होता। अब आओ बात करूं गायकी की, तो गाना वाना कुछ नहीं रहता है, ये तो बाबा खड़ा कर देता है, बस गाता हूं। इसीलिए पूछा ऑर्केस्ट्रा सुनोगे कि कीर्तन, ऑर्केस्ट्रा के लायक मैं गा नहीं पाऊंगा, कीर्तन करोगे तो आपके साथ मिलकर कीर्तन करूंगा और दिल से बाबा से कहकर जाऊंगा कि जिसने भी गाया है बाबा उसकी तरफ देख लेना, और ये एक बार देख लेगा तो जीवन बदल जाएगा प्रेम। इसलिए आज के 2 घंटे, अपने 2 घंटे सोच लो कि आज बाबा की नौकरी कर रहे हो, अभी तक आप किसी की भी नौकरी कर रहे हो, अभी 2 घंटे सोच लो कि आज बाबा की नौकरी कर रहे हो। मैं बाबा से कहूंगा जाते जाते कि मुझे दिया है तो इनको भी देना पड़ेगा, बाबा हक से कहूंगा कि अगर मुझे दिया है तो जिसने तेरा 2 घंटे नाम लिया है उसको भी देना पड़ेगा बाबा। अच्छा हारे का सहारा नाम क्यों है? क्योंकि मां को वचन दिया था इन्होंने कि जब हारेगा उसी का साथी बनूंगा। आजमा लेना, कभी भी आजमा लेना, कभी भी कोई तूफान सर पे खड़ा हो, दोनों हाथों को उठाकर आसमान की तरफ देखकर एक जयकार लगा देना। कौन सी जयकार? हारे के सहारे की। और फिर देख लेना कैसे कैसे जिताएगा, जैसे मक्खन में से छुरी निकल जाती है, पता भी नहीं चले जाएगा फैलेगा और आप जीत भी जाओगे, क्या बात है। आइए प्रेमियों शुरू करते हैं। आज यहां से जाओ तो मन में एक विश्वास लेकर जाओ कि अब मुझे संभालने वाला कोई,
कितनी काली घटाएं आए, मैं तो मेरे श्याम की छतरी के नीचे विराजमान हूं, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। करूं, शुरू करूं, आइए। बहुत बढ़िया बजाते हो, कभी डाउन कर देते हो। आज के बाद दुनिया में सीना तान कर कहना, शायद काली घटाए तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूं मैं। बोलो शायद, जिसने पकड़ा मेरा हाथ है मुझे डरने की। ए भाई बोलो भाई, ये तो सब तैयार है यार। सांवरा जब मुझे डरने की, माता जी बहन जी आज के बाद नहीं डरना है ना, बाबा है हमारे साथ। किसके किसके साथ है, पूरे पूरे हाथ उठाना, छोड़ जाता भी अपना घर। Thank you.
पकड़ता करामात है, मुझे डरने की क्या बात है। इनके चरणों में है बैठना, छूटे स्वार्थ के रिश्ते सभी, श्याम प्रेमी से रिश्ता बना, छूटे स्वार्थ के रिश्ते सभी, श्याम प्रेमी से रिश्ता बना। ये करता करामात है, क्यों सीना तान कर कहते हैं हमें डरने की क्या। दो बार ट्रक में घुस गया मैं, दो बार, लेकिन अगर एक बार कीर्तन करने जा रहा था, एक बार कीर्तन करके आ रहा था, एक बार एक बार 26 साल पहले की बात है और दूसरी बार 4 साल पहले की बात है, तो फिर क्यों चिंता। साक्षात खड़ा है ना, किसी भी सेठ के घर में चले जाना, किसी भी सेठ की ऑफिस में चले जाना, नौकरी देने से पहले 50 सवाल करेगा, 5-7-10 फॉर्म फिलअप करवाएगा, ये ऐसा सेठ है ये कोई सवाल नहीं करता, कोई फॉर्म नहीं जमा करवाता, बस इसके दरबार में आकर कहना बाबा मैं हारा और तू हारे का आज भी है और हमारा बाबा कल भी। जिंदगियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन ये श्याम सरकार जो है ना, ये आपको यही विराजमान मिलेगा। Thank you.
अच्छे होते हैं, पॉकेट भरी होती है, तब रिश्तेदार हाथ पकड़ता है ना। ए टोपी वाले दादा बोलो ना, पक्का ना। श्याम दरबार में खड़ा हूं, कसम खाटू वाले श्याम की, जिस दिन आकर कह दोगे ना कि बाबा मेरा कोई नहीं, जिस दिन कह दोगे कि बाबा मेरा कोई नहीं, उस दिन फटे कपड़े में भी आओगे ना, हाथ पकड़ लेगा, नजर नहीं आएगा लेकिन हाथ। सहारा बनता है हारने वालों का सहारा, सहारा बनता है हारने वालों का, मुकद्दर बनता है मानने वालों का। बोलो बोलो, मुकद्दर शिवहारे के साथी की जयकार लगाएगा, बलहारे के सहारे की, शिवहारे रुक नहीं पाएगा। देखो प्रेमी, भजन खत्म हो गया। किसको किसको दो लाइनें याद हो गई? पहली दो लाइनें जब भी ध्यान से सुनना, आखिर में सिर्फ और सिर्फ आपसे कहूंगा, मैंने
बाबा देखेगा, पूरे हाथ उठा लेना पूरे पूरे और जोरदार तालियां बजाकर बोलना क्या कान्हा देना, मेरी जो लाज है बाबा तेरे तू जाने तेरा, पूरे पूरे हाथ उठा लो पूरे पूरे और जोरदार तालियां बजाकर बोलना मेरी जो लाज है उठा लो
छोटी सी बात है सब तेरे हाथ है, छोटी सी बात है सब तेरे हाथ है, दुखिया गरीब की आबा फरियाद है, तेरी तो लाज है। ये भजन खत्म हो गया, भजन खत्म हो गया। मैंने क्या कहा था, शुरू की दो लाइनें आपसे कहूंगा, हाथ उठा लो, हाथ उठा लो, अपनी लाज को बाबा के हवाले कर दो, पूरी ताकत लगाकर बोलना। क्या क्या बात है दादा। मुकेश भैया अपने भट्टे पे कीर्तन कितनी तारीख का था? बाईस दिसंबर को जब बाबा ने मुझे भट्टे पे बुलाया था, ऊपर बढ़ाते इसमें बढ़ा दो थोड़ी सी, दोनों में। जब मैं आया तो मैं खेत खलियान गांव, मैंने यहां श्याम बाबा को कौन सुनेगा, लेकिन कसम से उस दिन भी मैं बहुत कुछ लेकर गया इस दरबार से, और आज तो आपकी जय है ना। ये जो जयकार है, पता है ये जो जयकार है कितने संकटों को, बल्कि आपने जो जयकार लगाई है ना, ये जयकार अगर हर महीने अगर ये जयकार लगने लग जाए ना, तो अगल बगल के 20-30 किलोमीटर के संकट इस जयकार से ही भाग जाएंगे। हर महीने शुरू कर दिया, क्या बात है। देखो हर महीने द्वादशी को कीर्तन होता है, ठीक है ना। साल में तो एक बार ये बुलाएंगे, साल में तो 14 फरवरी को हिंदुस्तान के जितने भी श्याम भक्त भजन गायक हैं उनको बुलाएंगे, लेकिन 11 महीना आप गाओ, और विश्वास दिलाता हूं 11 महीना हर महीने की बारिश को आने लग जाओ, टूटा फूटा गाने लग जाओ, 2-3 साल के अंदर में संजय मित्तल को बैठा दोगे आप, गाने लग जाओगे। देखो सच्चाई बताता हूं, मैं मां सरस्वती की किताब है मेरी, ये मेरी मां सरस्वती की किताब है, और मेरा मालिक बैठा है। आज तक सारे गांव में नहीं आया है, गोलू मुझसे 1 लाख दर्जा बेटर गाता है, आज तक हारमोनियम का सारे गांव में नहीं पता है, और सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर ही काम चला लेता हूं, लेकिन ये बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा है कि आपके कान खराब कर देते हैं और मुझे सुन लेते हो आप लोग। जब मैं मुझ जैसे चिल्लाने वाले को कलकत्ते से उठाकर यहां बुला सकता है, जिसको पहली बार खाटू बुलाया बाबा ने 89 में, बस की छत पर बैठ कर गया, क्योंकि जुगाड़ नहीं था, बस की छत पर जयपुर से, और जिस दिन से इसका नाम लिया, पहले स्लीपर क्लास में नहीं जाते थे, जनरल क्लास में, स्लीपर क्लास में बैठाया, AC 3 में बैठाया, 2 में बैठाया, फर्स्ट AC में बैठाया, अब बोलता रेलगाड़ी में मजा, कुछ नहीं है उसके बावजूद। अगर बनना चाहते हो कुछ, कसम श्याम की, खाली गायक के नहीं बोलता, अगर बनना चाहते हो तो जिस बारस को कीर्तन होना, आकर जोत लिया करो यहाँ पर, और बाबा के कीर्तन में 2-4 भजन बैठा करो, और टूटा फूटा सुना दिया करो, जिस बिजनेस में हाथ डालोगे वही दौड़ने लग जाएगा, और दौड़ेगा नहीं उड़ने लग जाएगा। लोग बोलेंगे कि कहानियां हैं, लेकिन भाई जिसको कहानी लगता है उसको मैं कुछ कह नहीं सकता, अपनी अपनी सोच का है। हमारा तो, हम तो रोज पूछते हैं सवाल, क्या देखा आपने मुझ में, मैंने क्या किया ऐसा जो आपने कृपा करी, रोज पूछा इससे, आज भी पूछता हूं, और कोई दुखियारा दिखता है तो ये बोलता हूं कि मेरा काम बनाया तो इसका भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से पूरा नहीं हो सकता, ये मेरे से तो अच्छा ही होगा, इसका काम बनाना पड़ेगा बाबा।
साक्षात पारस पत्थर है। छूले ने मात्र से पत्थर सोना लोहा सोना बन जाता है। आइए प्रेमियों, बी माइनर, बी माइनर, म्यूजिशियन के अंदर में तो तुमने इतने सारे माइक दे दिए, मैंने क्या गुनाह किया यार? बस 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 बस, है है बेटा वहां से बैठ। देखिए हम लोग एक रिश्ता नहीं निभा पाते। ए भैया 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 कम करो बहुत ज्यादा हम लोग, मैंने पहले पूछा ऑर्केस्ट्रा देखने आए हो कि कीर्तन सुनने आए हो? ऑर्केस्ट्रा में ये सब होता है, झाए 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 झाए, कीर्तन में कीर्तन होता है भाई। हम लोग एक रिश्ता नहीं निभा पाते भाई, सगे भाई का भाई बैरी हो जाता है, खून का पैसा हो जाता है। लेकिन इसको आप भाई मानो तो भाई बनने को तैयार है, पिता मानो तो पिता बनने को तैयार है, मां मानो तो मां बनने के लिए तैयार है, और अगर मीत मानो, सखा मानो, मितवा मानो, वो बनने को तैयार है। तो आइए अपने मीत के सामने में क्या कहा, सबको मिलकर बोलना। किसको किसको विश्वास हो गया आज पूरे दिन भर में? एक बार अहमदाबाद है ना, देखो मैं अहमदाबाद से आया और अहमदाबाद आया, तालियां बजाओ। कई लोगों का फोन आता है, कल आया फोन कहां है? मैंने कहा अहमदाबाद। आज आया फोन कहां है? मैंने कहा अहमदाबाद। बोले अहमदाबाद में दो दिन कीर्तन है। बोले अरे पगले है, यूपी में अहमदाबाद है, बिल्कुल।
कुछ जंगल में मंगल है। एक बार मोहम्मदाबाद वाली तालियां सुनाओ ना। सुनो सुनो, ये तो हाई कोर्ट है, ऐसी तालियां बजाओ खाटू सुप्रीम कोर्ट में तो आवाज पहुंच जाए और फागुन मेले के ग्यारस पर बाबा यहां पर काम बनाने के लिए आए, पूरे हाथ में उठाकर जोरदार तालियां बजाकर इसको देकर जाना, कहकर जाना बाबा गरीब का दिल है, थोड़ा ध्यान से रखना। देखे जाओगे, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मत समझना मैं कीर्तन में सब आपको हंसाने के लिए कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। ये कहकर जाना बाबा ये गरीब का दिल है, थोड़ा संभाल कर रखना। जिस प्रेमी ने दिल इन पे अपना हार दिया, जिस प्रेमी ने दिल इन पे अपना हार दिया, सोनू सुख सारा इसने उस पे वार दिया, सोनू सुख सारा इसने उस पे वार दिया। परसों भी रोएगा लेकिन कल कल का रोना अलग होगा। आज जिस लिए रो रहा है कल नहीं रोएगा, कल खुशी में रोएगा कि मुझे ऐसा दरबार मिल गया है ना। एक रात में जिंदगी बदल दी।
लेकिन ये भजन तेरे लिए गा रहा हूँ बेटा। कितनी उम्र है तेरी? 18 साल। मेरा बेटा 24 साल का है, मेरी बेटी 26 साल की है। पहले वाला सही। ये भजन तेरे लिए गा रहा हूँ, चिंता नहीं कर। यही रहता है, फरुखाबाद रहता है ना, फरुखाबाद रहता है। तो तू खाली 11 महीने इस दरबार में 12 को आकर जोत कर लिया था। अरे 18 हो 88 हो क्या फर्क पड़ता है? अरे लोगों को महीने में 1800 किलोमीटर खाटू बुलाता है बाबा, तो 18 नहीं आ सकता? आए देख तेरे लिए कितनी अरदास लग रही है ना। तेरा काम नहीं अटकेगा, चिंता नहीं कर। मुझसे किसी ने पूछ लिया कीर्तन में तेरा बाबा क्या देता है? मैंने कहा मुझसे पूछेगा तो लिमिट हो जाएगी और डायरेक्ट जाएगा तो अनलिमिट हो जाएगी। मैंने जवाब दिया मुझसे मत पूछिए कि बाबा क्या क्या देते हैं, अरे हाथ उठने भी न पाए दिला देते हैं। खुद नहीं आते, खुद नहीं आते, किसी न किसी को भेज देते हैं। जा उस बच्चे का काम बना। लुटा देते हैं बाल भंडार लुटाने वाले की कभी क्यों चिंता करते हैं? उठा हाथ, वो पूरे पूरे हाथ उठा लेना और चोर से तालियां बजाकर बोलना क्या? अरे बाबा तेरी दिल ने पुकारा है, दिल ने पुकारा है।
नजर मिला नहीं पाए आज तुझे जो आंख दिखा के कल नजर मिला नहीं पाएंगे कोशिश करके भी वो तेरा पूरा नहीं कर पाए हर पल में आया सांवरिया तेरी चौखट पे सांवरिया तेरी चौखट पे सारी दुनिया से हर कल में आया सांवरिया तेरी चौखट पे सांवरिया तेरी चौखट पे अफसर बनाएगा कोई आपका इंतजार करेगा बोले साचे दरबार की डाकिया भजन लेकिन देखो मारवाड़ी में है समझ नहीं पाएंगे समझ जाएंगे मारवाड़ी समझोगे कोई बीच में जाओगे तो नहीं पीछे वाले पक्का आइए लेकिन देखो ये भजन से है ना न जाने कितने लोग खाटू पहुंच गए हमारे कलकत्ता के दो भाई हैं कमल किशन उनकी ये सोच है उन्होंने ये भजन न जाने किस भाव में लिखे सरदा भाई इस भजन के बीच में कोई उठ कर नहीं जाना क्योंकि सुनिए ये भजन नहीं है ये पूरी एक अरदास है ये बच्चा लोग ए बेटा मेरे को डर लग रहा है इस बच्चे के हाथ में पाँव नहीं लग जाए मेरा बेटा फूल नहीं उछालो है ना अच्छे बच्चे हो ना इधर भी बेटा ए बेटी ए बेटिया नहीं बेटा उछाल बेटा ये मत लगा